अपडेट लास्ट हम लोगों ने सप्लाई समझ लिया था सप्लाई क्या था सर सप्लाई जो था वो टेक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या है सर यह टाइम ऑफ सप्लाई बच्चे टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताएगा कि कब पर्सन के ऊपर सप्लायर के ऊपर रिसिपियंट के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी लाइबिलिटी लेवी हुई टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताएगा सर टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा कब पर्सन के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी लेवी होगी मतलब कब वो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होगा ये केवल आपको बता रहा है कि इस दिन आपके ऊपर जीएसटी लगेगा पे किस दिन होना है इसकी बात हम बाद में करेंगे अभी हम सिर्फ कितनी बात कर रहे हैं अभी हम ये समझ रहे हैं कि कब पर्सन के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी अराइज होगी यह डिसाइड करने का, का काम किस चैप्टर का है किस प्रोविजन का है सर यह काम टाइम ऑफ सप्लाई का है ठीक है इंट्रोडक्शन रीड करते हैं जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस अ सप्लाई कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड इन टाइम लाइक परचेस डिस्पैच डिलीवरी प्रोविजन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस एंट्री इन द रिक्ड्स पेमेंट डिपॉजिट इन बैंक कह रहा है कि एक सप्लाई में ये सारे इवेंट्स होते हैं परचेस करना एक इवेंट होता है डिलीवरी करना एक इवेंट होता है प्रोविजन ऑफ सर्विस एक इवेंट होता है रिसीविंग द पेमेंट एक इवेंट होता है रिकॉर्डिंग द पेमेंट एक इवेंट होता है तो इन इवेंट में से किस इवेंट पर आपके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी लगेगी इसको डिसाइड करना है टाइम ऑफ सप्लाई ने सो एट विच ऑफ दीज पॉइंट जीएसटी डज बिकम पेबल डज इट बिकम पेबल वेन एन एग्रीमेंट टू सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इज मेड क्या जब एग्रीमेंट हुआ तब देना है वेन द गुड्स आर shipped और द सर्विसेस आर प्रोवाइडेड तो जब गुड्स को शिप किया गया ट्रांसपोर्ट में डाला गया या फिर जब सर्विसेस को प्रोवाइड किया गया तब देना है जब इनवॉइस इश्यू हुआ तब देना है जब पेमेंट मिली तब देना है वॉट इफ द गुड्स आर shipped ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स जा रहे हैं पांच हजार के जी इस महीने भेजा पांच हजार के जी अगले महीने भेजा पांच हजार के जी उसके अगले महीने भेजा तो अगर रेगुलर इंटरवल में सप्लाई चल रही है तो क्या होगा वॉट इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सर्विसेज इंस्टॉलमेंट पे दी जा रही है जिसको हम कॉन्टिन्यूस सर्विस बोलते हैं ठीक है ना तो कॉन्टिन्यूसली अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो क्या होगा प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइड आंसर टू ऑल सच

जब लाइबिलिटी टू पे टैक्स आपकी अराइज हो जाती है बात समझ में आया ठीक अब हमें पता है कि सप्लाई या तो गुड्स की होती है या तो सप्लाई सर्विसेज की होती है ठीक है ना सप्लाई या तो गुड्स की होती है या तो सप्लाई सर्विसेज की होती है तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई अलग से डिसाइड होगा सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अलग से डिसाइड होगा सेक्शन नंबर ट्वेल्व जो है वो गुड्स के सप्लाई की बात करेगा सेक्शन नंबर ट्वेल्व जो है वो गुड्स के सप्लाई की बात करेगा और इसका सब सेक्शन वन कहता है इसका सब सेक्शन वन कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग सिचुएशन सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात हो रही है सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जब टैक्स देगा सप्लाई ऑफ वाउचर्स आपको वाउचर्स मिलते हैं जिसके बदले में आपको गुड्स रिसीव हो जाते हैं तो आपको पेंटालून्स का वाउचर मिल गया लाइफस्टाइल का वाउचर मिल गया जिसको आप रिडीम करा के पेंटालून से लाइफ से रेडीमेड गारमेंट्स ले सकते हैं कुछ रेसिडुअल केसेस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा उसकी बात करेंगे और अगर एडिशन हो रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडिशन हो रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई में किसकी वजह से सर इंटरेस्ट की वजह से लेट फीस की वजह से पेनल्टी की वजह से क्योंकि रिसिपियंट ने आपको लेट पेमेंट दिया तो उस केस में क्या होगा जैसे मैंने आपको गुड्स करे और मैंने आपको वन मंथ का क्रेडिट दिया मैंने आपसे कहा कि एक महीने के अंदर आपको मुझे पेमेंट करना है और अगर आप एक महीने में पेमेंट नहीं करोगे तो पर डे आपके ऊपर हंड्रेड रुपीज का पेनल्टी लगेगा अब आपने 10 दिन पेमेंट लेट किया तो 100 मल्टीप्लाइड 10, का पेनल्टी मैंने आपके ऊपर लगाया तो इस 1000 का जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है इस 1000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर क्या इस 1000 पे भी सब जीएसटी लगेगी बच्चे बिल्कुल इस एक जो तुमने एक्स्ट्रा लिया है पेनल्टी के नाम का जो तुमने एक हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लिया है पेनल्टी के नाम पर इसके ऊपर भी हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी हमें सेक्शन ट्वेल्व बताएगा ठीक है तो ट्वेल्व वन ने बताया कि हमारे दायरे में क्या क्या आने वाला है एफ में हम कैसे डिसाइड करेंगे आरसीएम में हम कैसे डिसाइड करेंगे वाउचर के केस में कैसे डिसाइड करेंगे रेसिडुअल केसेस में कैसे डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट लेट फीस और पेनल्टी अगर तुम ले रहे हो अपने रेसिपियंट से क्योंकि उसने डिलेड पेमेंट किया है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ठीक है तो ट्वेल्व वन ने बस आपको बताया कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें कवर है मेन प्रोविजन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं अब सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स वे आर सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेजम सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू रीड विद सेक्शन नंबर थर्टी वन ठीक है सेक्शन थर्टी वन क्या है अभी थोड़ी देर डिस्कस करते हैं सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू रीड विथ सेक्शन थर्टी वन क्या कहता है एज पर सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टेक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज ज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स अच्छा दो डेट्स लिख दी हैं उन दो डेट्स में जो अर्लियर है वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा ठीक है पहला पॉइंट कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच द इन वॉयस ऑट टू हैव बीन इश्यूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन थर्टी टू द एक्सटेंट इन कवर्स द सप्लाई ऑफ द गुड्स दूसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाई दप्लायर टू द एक्सटेंट द पेमेंट कवर्ड द सप्लाई ऑफ द गुड्स अच्छा ट्वेल्व टू क्या बोल रहा है सर ट्वेल्व टू कह रहा है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा इनकेस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मकेनिज्म टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनकेस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मकेनिज्म सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 इसने हमें दो डेट्स दी पहला इसने कहा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर या फिर ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन थर्टी वन ठीक है तो सेक्शन नंबर थर्टी वन के अंदर ड्यू डेट लिखी हुई है कि इस दिन तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है सेक्शन नंबर थर्टी वन के अंदर क्या लिखी हुई है सर सेक्शन नंबर थर्टी वन के अंदर ड्यू डेट लिखी हुई है इस दिन तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन टू कहता है कि जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस को इशू किया वो वाला दिन या फिर जो इनवॉइस इशू करने का था ड्यू डेट वो वाला दिन इन दोनों डेट में से या फिर या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जिस दिन तुमको पेमेंट मिली डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जिस दिन तुमको पेमेंट रिसीव हुआ वो वाला दिन अब जब ये पेमेंट रिसीव करने वाला दिन है इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास दो डेट्स हैं वो दिन जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होती है इन बैंक अकाउंट या फिर वो वाला दिन जिस दिन आप पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं accounts, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन चारों डेट में से इन चारों डेट्स में से जो भी डेट अर्लियर है इन चार डेट में से एक डेट ये एक डेट ये एक डेट ये एक डेट ये इन चार डेट में से जो भी डेट अर्लियर है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी चार डेट्स इन चार डेट्स में जो भी अर्लियर हो जाएगा वो आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान से समझना ये जो मैंने आपके लेफ्ट साइड पे लिखे हैं ये सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू क्लॉज ए है और यहां जो मैंने राइट right साइड पे लिखा है ये सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू क्लॉज बी है तो क्लॉज ए और क्लॉज बी ने दो दो डेट्स बताई हैं क्लॉज ए ने आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस बताया है और सब क्लॉज बी ने आपके दो डेट्स बताई हैं वो दिन जिस दिन पेमेंट बैंक में आता है या फिर जिस दिन पेमेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है इसको बोला गया है आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा क्लियर है अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से समझना मान लेते हैं मान लेते हैं जो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है जो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है वो है टेंथ जुलाई 2020 और जो मेरी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है वो है ट्वेल्थ जुलाई 20 क्रेडिट हुआ है पैसा इन बैंक अकाउंट फोर्टींथ जुलाई ट्वेंटी और इसे रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने फिफ्टींथ जुलाई ट्वेंटी तो आपके सामने चार डेट्स हैं इन चार डेट्स में जो भी अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा पहली दो डेट्स सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू क्लॉज ए के अंदर आती है और नीचे वाली दो डेट सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू क्लॉज बी के अंदर आती है इन चार डेट्स में से जो भी अर्लियर है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा तो सर जब चारों डेट्स देख रहे हैं उसमें टेंथ जुलाई अर्लियर आ रहा है इसका मतलब कि सर सप्लायर के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी टेंथ ऑफ जुलाई को इंपोज कर दी गई है क्लियर अब दूसरा एग्जांपल देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है वो है सर सपोज कर लो फिफ्टींथ जुलाई ट्वेंटी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस था ट्वेल्थ जुलाई ट्वेंटी आपको क्रेडिट मिल गया है एडवांस में पैसा आपको एडवांस में ही मिल गया था 16th जून ट्वेंटी और इसको आपने बुक्स में भी रिकॉर्ड कर लिया था 16th जून ट्वेंटी अब बताइए क्या बनेगा आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई सर बहुत आसान है जहां पर आपकी डेट पहले आएगी वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा यानी कि इस केस में 16th जून जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई बना ध्यान से अगर आप देखिए तो मेरे पास जो सिचुएशन बी है मेरे पास जो सिचुएशन बी है इस सिचुएशन में सिचुएशन बी है इस सिचुएशन में मेरे पास पैसा एडवांस में आया है इस सिचुएशन में मेरे पास पैसा एडवांस में आया है इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन ट्वेल्व कहता है कि अगर तुम्हें एडवांस रिसीव्ड हो जाएगा अगर तुम्हें एडवांस रिसीव होगा तो वो एडवांस तुरंत के तुरंत टैक्सेबल हो जाएगा देखो तुम्हें जून में एडवांस मिला था और तुमने सप्लाई एक्चुअली में जुलाई में करी है तो एक्ट कह रहा है कि भाई तुम भले सप्लाई जुलाई में करो हम तुमसे टैक्स कब ले लेंगे हम तुमसे टैक्स जून में ही कलेक्ट करवाएंगे बात समझ में आया तुम्हारे ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी कब लगा दी जाएगी तुम्हारे ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी जून में ही लगा दी जाएगी ठीक है अब इस चक्कर में जो हमारे सप्लायर लोग थे उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि गुड्स की सप्लाई में अक्सर ऐसा होता है कि आपको एडवांस रिसीव होता है और आप बदले में कोई सप्लाई नहीं कर पाते हो एडवांस रिसीव होता है और आप इसके बदले में कोई सप्लाई नहीं कर पाते हो जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से आपको एडवांस रिटर्न करना पड़ता है या फिर आप कहो आपको एडवांस रिफंड करना पड़ता है तो अब होता क्या है जब आपको एडवांस रिसीव होता है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है और जब आप एडवांस रिटर्न कर देते हो तो आप क्या करते हो आप रिफंड क्लेम करते हो तो असेसी के ऊपर बिना बात का एक बर्डन बन रहा है कि पहले जब उसे एडवांस मिले तो वो टैक्स दे और इन केस अगर वो सप्लाई ना करे और एडवांस रिफंड करे तो वो बाद में आपसे टैक्स का भी रिफंड क्लेम करे ठीक है ना तो हमारे जो गुड्स के सप्लायर लोग थे वो बड़े परेशान हो रहे थे दूसरा एक यह भी था कि जो ओल्ड रिजाइम हुआ करती थी जो ओल्ड रिजाइम हुआ करती थी वैट सीएसपी इसके अंदर एडवांस रिसीट टैक्सेबल नहीं होती थी इसके अंदर एडवांस रिसीट टैक्सेबल नहीं होती थी तो हमारे जो गुड्स के सप्लायर हैं उन्हें यही आदत है कि जब वो सप्लाई करें, जब वो माल बेचे तभी वो टैक्स दे एडवांस पे उन्हें टैक्स देने की आदत नहीं थी तो जब ये सेक्शन 12 ने एडवांसेस को टैक्सेबल किया तो उन्हें इसको अडॉप्ट अडॉप्ट करने करने में में सप्लायर्स को इसे करने में बड़ी परेशानी हो रही थी परेशानी का रीजन मैंने आपको बताया कि जब एडवांस रिसीव होता था उन्हें टैक्स देना पड़ता था और बाय चांस अगर सप्लाई नहीं करी तो एडवांस रिफंड करना पड़ता था जिसकी वजह से उन्हें टैक्स का रिफंड क्लेम करना पड़ता था तो इस परेशानी से उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी बड़ी दिक्कत हो रही थी उन्होंने बहुत हल्ला मचाया और हल्ला मचाया तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और गवर्नमेंट ने उन्हें रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017 से इस नोटिफिकेशन ने रिलैक्सेशन दिया और ये रिलैक्सेशन क्या कहता है रिलैक्सेशन कहता है कि सर अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं और आपकी सप्लाई एफ में टैक्सेबल होती है आप नॉर्मल सप्लायर हैं और आपकी सप्लाई एफ में कवर होती है तो भाई साहब ऐसा है कि आपके ऊपर केवल सेक्शन 12 टू ए लगेगा आपके लिए सेक्शन नंबर 12 टू बी एप्लीकेबल नहीं है तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन ने क्या किया है इस नोटिफिकेशन ने हमारे जो नॉर्मल सप्लायर्स हैं हमारे जो नॉर्मल सप्लायर्स हैं जिनकी सप्लाई एफ में टैक्सेबल है उनके लिए एडवांस रिसीट्स को टैक्सेबल नहीं किया है रिलैक्सेशन दिया और कहा कि आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन ट्वेल्व टू ए के हिसाब से डिसाइड होगा यानी कि जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है वो एप्लीकेबल होगी या फिर जो आपकी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है अंडर सेक्शन 31 इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्रक समझ में आया पहले मैंने आपको पूरा सेक्शन 12 समझाया सेक्शन 12 के दो क्लॉजेस थे 12 टू ए 12 टू बी

उसे इन इफेक्टिव कर दिया और कहा कि अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं और आपकी सप्लाई एफ में आती है तो आपके ऊपर सिर्फ 12 टू ए लगेगा बोले तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई केवल दो डेट्स के बेसिस में डिसाइड करेंगे एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कोई ऐसा पर्सन है जिसे इतनी बात में दिक्कत है चलिए एग्जेम्पन टू पे टैक्स ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटी सिक्स ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन अभी मैंने आपको यही बताई ऑल टेक्स पेयर एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर आर एग्जेप्टेड फ्रॉम पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स द एंटायर जीएसटी शेल बी पेबल ओनली वेन द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सच गुड इज इशूड और ऑट टू हैव बीन इशूड ऑट टू हैव बीन इशूड मतलब ड्यू डेट अब हम बात करते हैं कि सर सेक्शन थर्टी वन में ड्यू डेट्स क्या लिखी हुई है सेक्शन थर्टी वन में ड्यू डेट्स क्या लिखी हुई है क्योंकि जब तक हमें ड्यू डेट नहीं पता होगी तब तक हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन ही नहीं कर पाएंगे तो टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन थर्टी वन सबसेक्शन वन

मूवमेंट है कि नहीं का मतलब क्या हुआ सप्लायर जो है सप्लायर जो है वो मान लीजिए है मुंबई का और रिसिपियंट जो है वो है सपोज कर लीजिए पुणे का ठीक है ना अब सप्लायर <coughs> के प्रीमाइसिस से गुड्स को डिलीवर किया जाएगा रिसीपियंट के प्रीमाइसिस पे सप्लायर के प्रमाइसिस से गुड्स को डिलीवर किया जाएगा रिसिपियंट के प्रीमाइसिस पे मतलब सप्लायर ऑब्लिगेशन ले रहा है टू मेक द डिलीवरी सप्लायर कह रहा है कि सर वो गुड्स डिलीवर करेगा टू रिसिपियंट प्लेस ऐसा ऑब्लिगेशन सप्लायर ने ले लिया है मतलब कि सप्लायर गुड्स को रिसिपियट के डोर स्टेप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा है मतलब कि मूवमेंट है क्योंकि गुड्स मुंबई से निकलेंगे और पुणे की तरफ जाएंगे तो अब क्या होगा एक्ट कहता है कि सर जब गुड्स मूवमेंट के लिए निकलें उससे पहले ही आपको क्या करना है उससे पहले ही आपको इनवॉइस इश्यू करनी है तो इस केस में जो ड्यू डेट है वो है एट द टाइम ऑफ रिमूवल एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसिस ऑफ सप्लायर क्लियर दूसरा सिनेरियो कहता है कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है मतलब क्या है सर सप्लायर जो है वो मुंबई का है रिसीपिएंट जो है वो पुणे का है लेकिन सप्लायर कह रहा है कि बाबू ऐसा है मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा एट माय शॉप अब तुम्हें इसे पुणे लेके जाना है कि पेरिस लेके जाना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी सरदर्दी नहीं है मैं आपको गुड्स अपने शॉप पे डिलीवर कर रहा हूं इसको ट्रांसपोर्ट कराने का जिम्मा आपका है मेरा जिम्मा नहीं है मैं आपको हैंड टू हैंड डिलीवरी गुड्स की यहीं पर दे रहा हूं मूवमेंट की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूं तो अब इस केस में अब इस केस में देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व अब इस केस में देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व क्योंकि वो डिलीवरी किधर कर रहा है वो डिलीवरी कर रहा है अपनी ही शॉप पे वो डिलीवरी कर रहा है अपनी ही शॉप में देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व और अगर कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इस केस में जो ड्यू डेट बताई गई है वो बताई गई है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो मूवमेंट के केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और अगर मूवमेंट नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसीपिएट आगे क्या कहता है कहता है कि सर अगर क्वाटिन्यूस सप्लाई है गुड्स का तो क्या होगा कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रहा है गुड्स का तो क्या होगा द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और द रिसीट ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट सेक्शन थर्टी वन सेक्शन फोर तो कह रहा है सर अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रहा है गुड्स का तो क्या होगा जय और सागर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जय और सागर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे जय जो है वो सप्लाई करेंगे गुड्स कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ थ्री मंथस टू सागर सेटलमेंट जो होगा वो एट द एंड ऑफ क्वार्टर होगा सेटलमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ क्वार्टर होगा ठीक है अब हुआ क्या जय ने टेंथ ऑफ जुलाई को दस हजार के जी सप्लाई किया सागर को और सागर ने इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया फिर थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई को टू थाउजेंड के जी सप्लाई किया और इसका भी कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ अच्छा एक काम और करते हैं पहले मैं इसका वैल्यू भी लिख देता हूं ये जो दस हजार के जी सप्लाई किया था इसका वैल्यू एक लाख रुपए का था और सागर ने इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया फिर जय ने दो हजार के जी सप्लाई किया जिसकी कीमत बीस हजार रुपए की थी कोई भी पेमेंट नहीं आई एक अगस्त को पेमेंट आ गई हमारे पास साठ हजार रुपए की ठीक है ना फिर इसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट को जय ने इलेवन थाउजेंड के जी सप्लाई किया एक लाख दस हजार रुपए का कोई पेमेंट नहीं आया फिर फोर्थ ऑफ सितंबर को सागर ने पेमेंट कर दिया सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का फिर 30th सितंबर को 6000 थाउजेंड के जी सप्लाई किया गया जिसकी कीमत साठ हजार रुपए की थी और कोई पेमेंट नहीं आया ये इस तरीके से कुछ सप्लाई हुई और कुछ पेमेंट रिसीव हुई तो जय ने एक स्टेटमेंट बनाया और यह स्टेटमेंट उसने इशू किया कि भाई देख मैंने तेरे को टोटल कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी टेन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्थ थाउजेंड प्लस इलेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एंड सिक्स मैंने इन तीन महीनों में तेरे को 29,000 केजी के जी सप्लाई किया इस 29,000 केजी के जी की जो कीमत थी वो थी टू लैख नाइनटी थाउजेंड और तूने मेरे को जो पेमेंट किया वो किया वन लैख थर्टी थाउजेंड का अब तेरा बैलेंस ड्यू है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड स्टेटमेंट जय ने इशू किया इस पर डेट डाला डेट था सितंबर नहीं टू अक्टूबर 2020 टू अक्टूबर 2020 को यह स्टेटमेंट इशू किया गया कि भाई मैंने इस इस डेट को इस इस डेट को तेरे को सप्लाई करी है और तूने इस डेट -इस को इतनी पेमेंट करी है इतने माल का सप्लाई हुआ है इतनी पेमेंट आई है बैलेंस अमाउंट तेरा निकलता है तो एक्ट कहता है कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रहा हो जब कभी भी कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रहा हो तो जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करोगे आप तभी क्या करोगे इनवॉइस भी इशू करोगे तो जय क्या करेगा 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को जय इनवॉइस इशू करेगा या इनवॉइस इशू करनी चाहिए थी क्योंकि ये ड्यू डेट है जय इनवॉइस इशू करेगा सागर को और इस इनवॉइस में जो क्वांटिटी सप्लाई दिखाएगा वो कितनी होगी टू लैख सॉरी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के जी और इसकी वैल्यू जो बताएगा वो वैल्यू कितनी होगी टू लैख नाइनटी थाउजेंड इस पर जीएसटी लगा देगा सपोज कर लो ट्वेल्व परसेंट से जो भी आए और टोटल इनवॉइस क्या करेगा वो सागर को इश्यू करेगा कॉन्सेप्ट समझ में आया जब क्वान्टूस सप्लाई होती है तो एक्ट कहता है कि जब सप्लायर जब सप्लायर पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करेगा अब ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट क्वांटिटी सप्लाइड का हो सकता है ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट पेमेंट रिसीव्ड का हो सकता है तो जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इश्यू करेंगे तभी आपको इनवॉइस भी इश्यू करना है ऐसा एक्ट बोलता है ड्यू डेट दिया हुआ है ठीक है दूसरी चीज ध्यान रखना ये पूरी जो सप्लाई करी गई है ये जो सप्लाई करी गई है इनका एक ही इनवॉइस इशू होगा मल्टीपल इनवॉइसेस नहीं होंगे इनका एक ही इनवॉइस इनवॉय होगा मल्टीपल इनवॉइसेस नहीं है क्योंकि अगर मल्टीपल इनवॉइसेस इशू हो रहे हैं तो सर फिर ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं ना फिर ये सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी तो फिर इंडिपेंडेंट सप्लाई बन जाएंगी लेकिन अगर सबका एक ही इनवॉइस हो और सप्लाई इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है टुकड़ों में हो रहा है देन इट विल बी टर्मड एज कॉन्टिन्यूसुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स इन केस ऑफ सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस आपने गुड्स को सेंड किया है अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस इसको हम बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है कि सर हम गुड्स दे देते हैं रिसिपियंट को और उसके अप्रूवल का वेट करते हैं जब तक वो अप्रूवल नहीं देता है तब तक हम इसे सेल नहीं मानते हैं तो अगर आपने गुड्स को सेल किया है अप्रूवल बेसिस पे तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा एक्ट कहता है कि इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर अच्छा जी ध्यान से देखिएगा अगर आपने सेल किया है ऑन अप्रूवल बेसिस अगर आपने सेल किया है ऑन अप्रूवल बेसिस तो इस केस में क्या होगा सर अगर आपने सेल किया है अप्रूवल बेसिस में तो आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग और अर्लियर ऑफ फॉलोइंग में आपको दो डेट्स बताई एक डेट बताई एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड जब सामने वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दिया मतलब कि अप्रूवल दे दिया कि हां भाई मेरे को गुड्स मंजूर है मैं आपके गुड्स को एक्सेप्ट करता हूं तो जिस वक्त सामने वाले बंदे ने आपको एक्सेप्टेंस दिया वो वाला दिन या फिर सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल इसका मतलब यह हुआ कि अगर छ महीने तक अप्रूवल नहीं आता है छह महीने तक अप्रूवल नहीं आता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट यह मान लेगा कि जैसे ही छह महीने पूरे हुए यह सप्लाई हो गया अगर छह महीने के अंदर अप्रूवल नहीं आता है तो जैसे ही छह महीने पूरे होंगे जीएसटी डिपार्टमेंट मान लेगी कि आपने गुड्स को सप्लाई करा और आपको कहेगी कि आप इनवाइस इश्यू कर दीजिए आज तारीख है मान लेके चलते हैं कि आज है एक जुलाई 2020। तो आज आपने सेल किया है ऑन अप्रूवल बेसिस ठीक है आपने सेल किया है अप्रूवल बेसिस पे और यहां से हम सिक्स मंथ काउंट कर लेते हैं यहां से हम सिक्स मंथ काउंट कर लेते हैं सर जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी ये होते हैं आपके सिक्स मंथ ये होते हैं आपके सिक्स मंथ तो अगर आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले एक्सेप्टेंस मिल जाती है सपोज आपको यहां एक्सेप्टेंस मिलती है यहां तारीख है 10 अक्टूबर 20, तो अगर आपको एक्सेप्टेंस 10 अक्टूबर 20 को मिलती है अगर आपको एक्सेप्टेंस 10 अक्टूबर 20 को मिलती है तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 10 अक्टूबर 20 हो जाएगी और अगर आपको एक्सेप्टेंस 31 दिसंबर के बाद कहीं मिलती है सपोज करो आपको एक्सेप्टेंस मिला है टेंथ फेब 21 को तो अगर आपको एक्सेप्टेंस मिला है टेंथ फेब 21 को वो छह महीने के बाद मिला है और एक्ट क्या मानेगा एक्ट मानेगा कि भाई जहां पर छह महीने पूरे हुए हम मान लेंगे कि तुमने सप्लाई कर दी है तो इस केस में जो ड्यू डेट बनेगी वो बनेगी थर्टी फर्स्ट डिसंबर 2020 फंडा क्लियर हो गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का फंडा क्लियर हुआ अगर आपको एक्सेप्टेंस 6 महीने से पहले मिल जाता है तो जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला है वो ड्यू डेट 6 महीने के बाद एक्सेप्टेंस मिलता है तो जहां पर 6 महीने पूरे होते हैं वो आपके लिए बन जाएगी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फिर से बोल रहा हूं दिस इज ऑट टू बी एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस कैन वैरी वो इससे पहले भी हो सकती है वो इससे बाद में भी हो सकती है ठीक है एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस ड्यू डेट से पहले भी हो सकता है ड्यू डेट से बाद में भी हो सकता है ड्यू डेट सिर्फ हमको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन कर पाए क्योंकि अगर तुमने ड्यू डेट के बाद इनवॉइस इशू करी होगी तो हम टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ड्यू डेट को कंसीडर करेंगे और अगर तुमने ड्यू डेट से पहले कर दी होगी तो जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू करी होगी हम उस दिन को कंसीडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू लेट्स डू वन क्वेश्चन सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम द वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर सेवेंटींथ ऑफ सप्टेंबर को हमें परचेस ऑर्डर मिला है एडवांस के साथ पचास हजार रुपए मशीन की जो कीमत है वो बारह लाख रुपए है और हमने इसकी एंट्री पचास हजार रुपए की अपनी बुक्स में कर ली है ठीक है बीस अक्टूबर को हमने मशीन को असेंबल करवा दिया टेस्ट करवा दिया साइट पे और बायर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर को हमने इनवॉइस रेस किया फोर्थ नवंबर को हमें बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में पेमेंट किस दिन आया वो मैटर नहीं करता है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है या तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या तो होता है आपका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस तो 17 सितंबर को जो एडवांस मिला है ये डेट हमारे लिए किसी काम की नहीं है बैलेंस पेमेंट आपको फोर्थ नवंबर को मिली है ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन नंबर वन में सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है हमारा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है और हमारा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन कहता है कि हमने इनवॉइस रेस किया है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर को तो ट्वेंटी थर्ड 2019 टू थाउजेंड नाइनटीन आपका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है अब जरा देख के बताओ कि ये हमारा कौन से सेक्शन में फॉल कर रहा है ड्यू डेट के लिए क्या यह थर्टी वन है सर क्वेश्चन कह रहा है कि हम मशीन की असेंबली कर रहे हैं दैट मीनस कि मशीन एक साइट पे असेंबल होगी असेंबल होने के बाद वो वहीं के वहीं डिलीवर कर दी जाएगी मतलब मशीन का कोई मूवमेंट नहीं होगा डिलीवरी के केस में जब आप डिलीवरी देते हो उसी वक्त आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए ट्वेंटियथ अक्टूबर को मशीन को असेंबल किया गया था टेस्ट कर दिया गया था और बायर ने उसे एक्सेप्ट भी कर दिया था मेकिंग अवेलेबल टू द बायर हमने बायर को मशीन अवेलेबल करा दी है अक्टूबर को तो हमारे लिए जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो होगा ट्वेंटियथ अक्टूबर 2019 दोनों में से जो भी अर्लियर है तो आपके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो निकल के आएगा ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन जिस तरीके से मैंने आंसर किया है आप ऐसे आंसर नहीं करेंगे पहले आप पूरा सेक्शन ट्वेल्व टू इलेबोरेट करेंगे पूरा प्रोविजन बताएंगे फिर आप नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017 एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद आप फैक्ट्स बताएंगे उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे तो मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स और कंक्लूजन दिया है इससे पहले प्रोविजन भी लिखा जाएगा आप सेक्शन ट्वेल्व टू का क्लॉज ए क्लॉज बी दोनों लिखेंगे ऑब्लिक की नोटिफिकेशन डिफाइन करेंगे उसके बाद आप फैक्ट्स बताएंगे और फिर कंक्लूजन देंगे क्लियर तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई इफ गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस अगर गुड्स का सप्लाई अप्रूवल बेसिस पे हो रहा है तो उस केस में क्या होगा आपके गुड्स का रिमूवल हुआ है एक दिसंबर अट्ठारह को एक दिसंबर 18 को एक दिसंबर 18 को इनवाइस आपने इश्यू करी है वो डेट दे दी है एक्सेप्टेंस किस दिन आया है वो दे दिया है रिसीट ऑफ पेमेंट आपको दे दिया है ठीक है तो आपको यह बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ठीक है अप्रूवल बेसिस पे अप्रूवल बेसिस पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे आपको ड्यू डेट फाइंड करनी है ड्यू डेट आप कैसे फाइंड करेंगे सर ड्यू डेट आप फाइंड करेंगे सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस की डेट देखेंगे और दूसरा आप सिक्स मंथ फ्रॉम रिमूवल देखेंगे और इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगा इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगा एक्सेप्टेंस की डेट क्वेश्चन में गिवन है पांच दिसंबर पंद्रह दिसंबर पच्चीस जुलाई पांच दिसंबर 18, 15 दिसंबर 18, 25 जुलाई 19. रिमूवल आपने कब किया था सर रिमूवल आपने किया है 1 दिसंबर 18 को 1 दिसंबर 18 से आप 6 महीने काउंट कर लीजिए आपके पास निकल के आ जाएगा 1 जून 19, 1 जून 19, 1 जून 19. 1 एक दिसंबर से एक जनवरी एक जनवरी से एक फरवरी एक फरवरी से एक मार्च इस तरीके से आपने छह महीने कैलकुलेट कर लिए अब इन दोनों में जो अर्लियर है वो ड्यू डेट है पांच दिसंबर और एक जून पांच दिसंबर और एक जून पांच दिसंबर अठारह पंद्रह दिसंबर और एक जून उन्नीस पंद्रह दिसंबर अठारह पच्चीस जुलाई उन्नीस और एक जून उन्नीस एक जून उन्नीस ड्यू डेट हमने फाइंड कर ली अब टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपके पास ड्यू डेट भी होनी चाहिए और आपके पास एक्चुअल डेट डेट ऑफ इनवॉइस भी होनी चाहिए ड्यू हमने मेहनत करके फाइंड करी है पांच दिसंबर अठारह पंद्रह दिसंबर अठारह एक जून उन्नीस और अब तुम एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस देखो तुमने इन्वॉइसिस इश्यू करे हैं पंद्रह दिसंबर अठारह पंद्रह दिसंबर 18, पच्चीस जुलाई उन्नीस पंद्रह दिसंबर 18, पंद्रह दिसंबर 18, पच्चीस जुलाई उन्नीस अब तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 5 दिसंबर और पंद्रह दिसंबर सर 5 दिसंबर 18, पंद्रह दिसंबर और पंद्रह दिसंबर पंद्रह दिसंबर 18, एक जून और पच्चीस जुलाई एक जून उन्नीस सबसे पहला काम सबसे पहला काम ड्यू डेट को फाइंड करना ड्यू डेट कैसे फाइंड किया सर जिस दिन एक्सेप्टेंस मिली वो वाला दिन रिमूवल से छ महीने दोनों में जो भी अर्लियर है वो हमारे लिए ड्यू डेट बन गई एक बार ड्यू डेट मिल गई तो फिर उसे एक्चुअल डेट से कंपेयर करा लेना है दोनों में जो भी अर्लियर है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा बिल्कुल इजी है एग्जाम में चार नंबर का क्वेश्चन आएगा और चार नंबर आपको दे के जाएगा पक्की बात है इतना इजी चैप्टर है ये किसी को डाउट डिटरमिन द दोवीज सॉरी डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेल्व इन अकॉर्डेंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द सीजीएससी एक्ट इन द केस सप्लाई इन मूवमेंट ऑफ गोल्स लिखा हुआ है गोल्स नहीं है गुड है ठीक है रिमूवल आपने किया है एक दस उन्नीस को इनवॉइस आपने इश्यू करी है पांच दस उन्नीस को डेट व्हेन द गुड्स मेड अवेलेबल टू द रिसीपियंट इज थर्ड अक्टूबर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज फिफ्टीन इलेवन तो जब आपका मूवमेंट होता है तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है मूवमेंट के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है वो क्या होती है मूवमेंट के केस में जो ड्यू डेट होती होती है है वो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ड्यू डेट होती है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स तो आपके गुड्स का रिमूवल कब हुआ है आपके गुड्स का रिमूवल एक अक्टूबर उन्नीस को हुआ है और आठ अक्टूबर उन्नीस को हुआ है तो एक अक्टूबर 19, 8 अक्टूबर 19 और आपने एक्चुअली इनवॉइस कब इशू किया है आपने एक्चुअली इनवॉइस इशू किया है 5 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को तो इधर आ जाएगा सर 5 अक्टूबर और इधर आ जाएगा आपका 4 अक्टूबर दोनों में जो भी पहले है दोनों में जो भी पहले है तो पहले वाले केस पे एक दस उन्नीस टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा दूसरे वाले केस में चार दस टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा मैं फिर से बोल रहा हूं एग्जाम में ऐसे आंसर मत करना पहले प्रोविजन लिखना है फिर फैक्ट्स लिखने हैं फिर कॉन्क्लूजन लिखना है ठीक है फ्लैट आंसर करके आओगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे चार की जगह पे केवल एक नंबर मिलेगा कायदे से पूरा प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन लिख कर आओगे पूरे चार में चार मिलेंगे गारंटी मेरी चलो जी अब हमने पढ़ना है सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन थ्री क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा चलिए सर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी द अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट पहला डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड ओके दूसरा डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसीपिएंट और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स बाय सम अदर नेम इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिस ऑफ सप्लाई तो उसने आपको तीन डेट्स बताई तीन डेट्स क्या बताई पहली डेट उसने बताई जिस दिन आपको गुड्स रिसीव होंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दूसरे में उसने आपको दो डेट्स बताई डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दी पेमेंट या फिर डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट क्योंकि आप पेमेंट कर रहे होंगे आप रिसपियंट है तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है रिसिपियंट रिसिपियंट सप्लायर को पेमेंट करेगा और रिसिपियंट जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा घटेगा इसलिए वर्ड डेबिट यूज किया है और तीसरी डेट आती है थर्टी फर्स्ट डे थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस सर सेक्शन में तो लिखा हुआ था डे इमीडिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज तो डे इमीडिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज का मतलब क्या हुआ थर्टी फर्स्ट डे डे इमीडिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज का मतलब क्या हुआ थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अब इन तीन डेट्स में से जो भी अर्लियर होगा इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई रट्टा मार लो पहला दिन, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए वो वाला दिन दूसरा दिन जिस दिन आपने पेमेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया तीसरा दिन जिस दिन पेमेंट आपके बैंक से निकल गई डेबिट हो गई चौथा दिन थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इन चारों डेट्स में जो भी अर्लियर है सर जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई बनती है इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मकैनिज्म अब एक्ट कहता है कि भाई अगर तुम इस तरीके से जो ट्वेल्थ थ्री में मेथड लिखा है इस तरीके से अगर टाइम ऑफ सप्लाई ना फाइन कर पाओ मतलब तुम्हें ना पता लगे कि गुड्स किस दिन रिसीव हुए थे तुम्हें ना पता हो कि इनवॉइस कब का भी इश्यू हुआ था तो कह रहा है कि सर जब आपका इस मैनर में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनता है जिस दिन रिसीपिएंट ने गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड किया है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बात समझ में आया तो जिस दिन रिसीपिएंट के बुक्स में गुड्स की एंट्री हुई है वो दिन आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप इस मैनर में जो ऊपर लिखा मैनर है उस मैनर में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन ना कर पाए तो क्लियर ध्यान से देखिएगा आप डिटरमिन दी टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम दी गिवन इंफॉर्मेशन डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम दी गिवन इंफॉर्मेशन मे फोर सप्लायर इनवोसिस गुड्स

सबसे पहले हम यह रिकॉर्ड करेंगे कि गुड्स हमें कब रिसीव हुए थे सर गुड्स आपको मे बारह को रिसीव हुए थे ठीक है दूसरा सर हमें यह रिकॉर्ड करना है कि हमने पेमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया है सर क्वेश्चन ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा लेकिन क्वेश्चन यह बता रहा है कि उसने पेमेंट थर्टीथ को करा है तो हम यह मान लेंगे कि थर्टीएथ को ही हमने इसे बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया है तीसरी डेट सर हमें चाहिए होता है जिस दिन पैसा डेबिट हुआ है बैंक में सर ऐसी भी डेट क्वेश्चन ने नहीं दी है लेकिन क्वेश्चन ने पेमेंट की डेट दी है तो हम पेमेंट की डेट को ही डेबिट मान लेंगे कि बैंक में तीस तारीख को ही डेबिट हो गया होगा चौथा डेट हमें चाहिए होता है थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनवॉइस से थर्टी डेज कब पूरे होते हैं जून थ्री को पर हमें थर्टी डेज नहीं चाहिए हमें तो थर्टी फर्स्ट डे चाहिए तो थर्टी फर्स्ट डे कहां पर आएगा सर थर्टी फर्स्ट डे जून फोर को आएगा अब इन चार डेट्स में जो अर्लियर है इन चार डेट्स में जो अर्लियर है वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई और सर अर्लियर क्या आ रहा है मे बारह तो मे ट्वेल्व टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन मे फोर सप्लायर इनवोसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी थर्टी डेज इलेप्स होते हैं जून थ्री को जून ट्वेल्व पिलर एंड कंपनी रिसीव द गुड विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट जून सॉरी जुलाई थ्री पेमेंट इज मेड फॉर द गुड्स ठीक है चलो अब सिक्सथ वाले क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं ताकि मैं दोबारा से डेट्स को रिकॉर्ड ना करूं गुड्स हमें कब रिसीव हुए हैं सर गुड्स हमें रिसीव हुए हैं जून बारह को गुड्स हमें रिसीव हुए हैं जून ट्वेल्व को पेमेंट हमने कर दी थी सर जुलाई थ्री को तो क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ है और डेबिट कब हुआ है तो मैं दोनों डेट सेम मान लेता हूं जुलाई थ्री और थर्टी फर्स्ट डे मेरा निकल के आएगा जून फोर अब इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर चारों डेट्स में जो अर्लियर है और चारों डेट्स में जो अर्लियर है वो है जून फोर जून फोर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई लग रहा है कि हम सी ए इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं इतनी आसान चीजें क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और आपके आंखों के सामने है चालीस नंबर ये जीएसटी के बहुत ही आसान है मैं फिर से बोल रहा हूँ ईजिली आप टारगेट कर सकते हो थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स जीएसटी के अंदर अगर आप जीएसटी को प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन को एक एक प्रोविजन को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चले जाते हो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके इस 40 में से 35 मार्क्स कहीं नहीं गए और अगर 40 में 35 आ गए तो बचे हुए 60 नंबर में गिरी हालत में 50 परसेंट भी स्कोर करते हो तो 30 होता है दैट मींस टैक्स में एग्जेंशन तो पक्की है अगर स्ट्रेटेजिकली उसको हैंडल कर ले तो स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना बहुत जरूरी है डिटर्मिन दाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द सीजीएस टी एक्ट इन केस रिसीपियंट ऑफ गुड इज लाइबल टू पे टैक्स ठीक है इनवॉइस की डेट हमको गिवन है एक अक्टूबर एक अक्टूबर एक अक्टूबर गुड्स की रिसीट की डेट गिवन है पेमेंट किस दिन करा है वो भी गिवन है डेबिट किस दिन हुआ है ये भी गिवन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन सबसे पहली डेट हमें चाहिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स गुड्स आपको कब रिसीव हुए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स सर गुड्स हमें पांच अक्टूबर को रिसीव हुए हैं पंद्रह अक्टूबर को रिसीव हुए हैं पंद्रह नवंबर को रिसीव हुए हैं तो केस ए पांच अक्टूबर केस बी पंद्रह अक्टूबर और केस सी पंद्रह नवंबर ठीक है दूसरा सर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट आपने पेमेंट किस दिन रिकॉर्ड किया पेमेंट हमने रिकॉर्ड किया 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 18 नवंबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 18 नवंबर इसके बाद तीसरा लेते हैं सर जिस दिन डेबिट हुआ इन बैंक बैंक से हमारा पेमेंट निकला 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 20 नवंबर और अब हमें चाहिए थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एक अक्टूबर का आपका इनवॉइस है तीस दिन जोड़ोगे तो तीस अक्टूबर होगा और थर्टी फर्स्ट जोड़ोगे तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर आ जाएगा तो चारों केसेस में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर जो है वो आपके लिए थर्टी फर्स्ट डे हो गया फ्रॉम द दे डेट ऑफ इन्वाइस ठीक है ना अब आपको चारों डेट्स में अर्लियर फाइंड करना है पांच अक्टूबर दस अक्टूबर बारह अक्टूबर इकतीस अक्टूबर सर पांच अक्टूबर 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर 31 अक्टूबर 10 अक्टूबर 15 नवंबर नवंबर, 20 नवंबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर बोलिए भाई क्लियर हुआ।, हुआ फंडा जो भी चारों डेट्स में अर्लियर है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा चलिए अब आता है आपके पास अगला सेक्शन 12 सब सेक्शन सेक्शन फोर किसकी बात करता है सर की बात करता है तो पहले तो ये समझो कि वाउचर होता क्या है सर एक है है जिसे exchange किया जा सकता एज अ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑफ द डेजिग्नेटेड वैल्यू तो वाउचर के अंदर वैल्यू लिखी रहती है कि वो वाउचर कितने का है और उस वाउचर को आप रिडीम कराते हो अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज अब अगर वो वाउचर गुड्स का है तो गुड्स के अगेंस्ट पे रिडीम कराओगे सर्विसेज सर्विसेज का है तो के अगेंस्ट पे रिडीम कराओगे पर डेफिनेशन दे आर द इंस्ट्रूमेंट दैट सर्टेन आर सर्टे टू एक्सेप्ट एज अ कंसिडरेशन पार्ट और फुल फॉर द गुड्स और सर्विसेस है जिसने वाउचर इशू किया है जैसे पेंटालून्स ने अगर वाउचर इशू किया है तो पेंटालून्स उस वाउचर को एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट करेगी वो वाउचर अगर आपका बिग सिनेमास ने इशू किया है तो बिग सिनेमास उसे एज अ एक्सेप्ट करेगी तो वो ऑब्लिगेशन है जिसने भी वो वाउचर इशू किया है उस वाउचर को अगर आप रिस्पेक्टिव डेट तक जिस डेट तक वो वाउचर वैलिड है आप चाहें तो उसे रिडीम करा सकते हैं और जिस पर्सन ने उसे इश्यू किया था वो ओबलाइज है उसे एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए क्लियर अब यहां पर वाउचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऐसा वाउचर जिसकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है ऐसा वाउचर जिसकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है ठीक है ना वाउचर के केस में वाउचर के केस में अगर आपकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो क्या होगा और सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो क्या होगा सप्लाई आइडेंटिफाइबल अब इसका मतलब क्या है आइडेंटिफाइबल का मतलब कि सर हमें पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या सप्लाई होगा हमें अगर पहले से पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या सप्लाई होगा तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल होती है और अगर हमें यह नहीं पता कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या सप्लाई होगा वो रिडम्शन के वक्त ही क्लियर होगा तो उस केस में इसे बोलते हैं कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनता है इश्यू ऑफ वाउचर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जिस दिन वाउचर को इशू किया गया है वो वाला दिन आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होता है और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है वो होती है डेट ऑफ रिडम्पन ऑफ वाउचर क्या होती है डेट ऑफ रिडम्पन ऑफ वाउचर बोलो भाई फंडा क्लियर हुआ फंडा क्लियर हुआ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आपके पास एक वाउचर है वाउचर है लिनोवो लैपटॉप का आपके पास एक वाउचर है लिनोवो लैपटॉप का इस वाउचर के अगेंस्ट आप लेनोवो लैपटॉप परचेज कर सकते हैं इस वाउचर के अगेंस्ट आप लिनोवो लैपटॉप परचेस कर सकते हैं किसी भी लिनोवो शोरूम में जाके किसी भी लिनोवो शोरूम में जाके आप लिनोवो का लैपटॉप ले सकते हैं इस वाउचर के अगेंस्ट तो इसको हम क्या बोलेंगे सर इसे हम बोलेंगे सप्लाई आइडेंटिफाइबल है हमें पहले से पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट हमें क्या मिलने वाला है लैपटॉप मिलने वाला है तो जिस दिन वाउचर को इश्यू किया जाएगा वो दिन वो दिन आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो आपके पास वाउचर है बिग बाजार का वाउचर है कितने रुपए का सर आपके पास वाउचर है पांच हजार रुपए का और ये वाउचर किसका है सर ये वाउचर बिग बाजार का है अब जैसे कि आपको पता है कि बिग बाजार एक तरीके का डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर आपके पास हर चीज मिलती है वहां पर गारमेंट्स भी मिलते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलता है वहां पर आपके एसेसरीज भी मिलती हैं वहां पर खाने पीने का सामान भी मिलता है घर का सामान भी मिलता है मतलब देर इज अ वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन बिग बाजार विच यू कैन परचेज अगेंस्ट दिस वाउचर तो अब इस केस में हमें यह नहीं पता कि इस वाउचर को हम कौन से गुड्स के लिए रिडीम कराएंगे तो यहां पर हम क्या बोलेंगे वाउचर की सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है और अगर वाउचर की सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब वाउचर रिडीम होगा तो पता लगेगा कि सर रिसिपियंट ने कपड़े खरीदे हैं कि मोबाइल खरीदा है कि घर के खाने पीने का सामान खरीदा है उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस पे हमें कौन सी जीएसटी लगानी है लेकिन जब हमें पहले से पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट हमें लिनोवो का लैपटॉप मिलना है लैपटॉप की सप्लाई होनी है तो जीएसटी कौन सी लगनी है ये डिसाइडेड है तो इसलिए बोलता है कि जिस समय वाउचर इश्यू हुआ उसी वक्त टाइम ऑफ सप्लाई बन गया और जब आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वेट करेगा कि कौन सा जीएसटी लगाना है तो उसके लिए बोलता है डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर चलिए क्वेश्चन देखिएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज परचेस्ड फॉर इट्स कस्टमर हंड्रेड वाउचर्स डेटेड ट्वेंटी फोर्थ डिसंबर एटीन XYZ limited has purchased for its customer 100 vouchers dated 24 december 18 worth of Rs. 1000 each from abc limited a footwear manufacturing company the vouchers were issued by abc limited on 25th october 18 the vouchers can be encashed at the retail outlets of the abc limited employees of xyz limited encash the same on 1st uh, jan 19 डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर देखो इसमें वाउचर इशू किसने किया है इस केस में वाउचर इशू किया है एबीसी लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड कौन है सर ये एबीसी लिमिटेड एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है वाउचर इशू की डेट क्या है सर इस वाउचर को इशू किया गया है ट्वेंटी फिफ्थ 18 एटीन को ठीक है ना वाउचर का भी इशू हुआ है सर वाउचर इशू हुआ है ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन को ठीक है सर अब आपको यह पहले बताना है कि क्या सर इसमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल है क्या इसमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल है सर, वाउचर देने वाला एबीसी लिमिटेड है और एबीसी लिमिटेड जूता बनाता है और इस वाउचर को हम एनकैश करा सकते हैं एबीसी के रिटेल आउटलेट पे तो एबीसी के रिटेल आउटलेट पे क्या रिसीव होगा सर फुटवियर ही तो रिसीव होगा तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है यस इस वाउचर के अगेंस्ट क्या आएगा सर इस वाउचर के अगेंस्ट हमें फुटवियर मिलने वाला है और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन आपका वाउचर इश्यू हुआ है ट्वेंटी फिफ्थ डिसंबर एटीन वो आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई मतलब वाउचर एक जैन उन्नीस को रिडीम हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ठीक है अगला आता है मिस रीमा परचेस्ड अ गिफ्ट वाउचर फ्रॉम अ शॉपर्स स्टॉप अच्छा गिफ्ट वाउचर खरीदा है इन्होंने ये शॉपर स्टॉप एक डिपार्टमेंटल स्टोर है पंद्रह सौ रुपए का वाउचर खरीदा है और उन्होंने वाउचर अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है उनके बर्थडे पर फोर्थ नवंबर 2018 को वाउचर वाउचर कब खरीदा खरीदा था खरीदा था टू अक्टूबर 18 को और अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है फोर्थ नवंबर 18 को इनकी फ्रेंड ने यह वाउचर को एनकैश कराया है फर्स्ट जैन 19 को उन्होंने हैंडबैग बैग परचेज किया है डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई सर शॉपर स्टॉप एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जब उसने वाउचर इशू किया होगा तो उसे यह नहीं पता होगा कि इसे किसके अगेंस्ट रिडीम कराया जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर में वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है सबका अलग अलग जीएसटी रेट है तो शॉपर स्टॉप को यह नहीं पता है कि उसे कौन सा जीएसटी लगाना है तो उसे वेट करना पड़ेगा कि जब यह वाउचर रिडीम होगा तभी हमें समझ में आएगा कि हमें इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगाना है यहां पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर और वाउचर आपका रिडीम किया गया है फर्स्ट जैन 19 को तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बनेगी फर्स्ट जैन 19। क्लियर बिल्कुल आसान था बिल्कुल आसान था कुछ भी नहीं है बिना बात का हवा है बस अगला आता है रेसिडुअल केस सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन फाइव सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन फाइव रेसिडुअल केसेस की बात करता है इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस डिस्कस्ड अब मतलब आप ट्वेल्व टू ट्वेल्व थ्री ट्वेल्व फोर इन तीन सेक्शन में नहीं जा रहे हैं मतलब एफसीएम नहीं लग रहा है आरसीएम नहीं लग रहा है वाउचर वाला केस नहीं है तो ट्वेल्व फाइव लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स अंडर सबसेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन ट्वेल्व इन द फॉलोइंग मैनर ड्यू डेट फॉर दिडिकल रिटर्न इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जी एस टी इजीड तो कह रहा है बाबू अगर तुम ट्वेल्व टू ट्वेल्व थ्री ट्वेल्व फोर में कवर नहीं होते हो अगर टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई ट्वेल्व सब सेक्शन टू सब सेक्शन थ्री सब सेक्शन फोर नहीं बता पाएंगे तो आपका ट्वेल्व सब सेक्शन फाइव जो कि रेसिडुअल केस है वो लग जाएगा रेसिडुअल केस कहता है कि अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में जो ड्यू डेट है रिटर्न का वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अब ये पीरियोडिकल रिटर्न किसको फाइल करनी होती है सर पीरियडिकल रिटर्न फाइल करनी होती है उस पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ठीक है ना और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस दिन आप पेमेंट करेंगे डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी वही आपके लिए क्या बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी अब सर आप हमें यह बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एफ ना लगे आरसीएम लगे वाउचर ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे बेसिकली उन लोगों के लिए है है जो जीएसटी में चोरियां कर रहे हैं ठीक ना जो टैक्सेस की चोरियां कर रहे हैं अब मान लो मैं भी रजिस्टर्ड हूं आप भी रजिस्टर्ड हो तो कायदा यह कहता है कि जब मैं आपको गुड्स बेचू तो उसकी टैक्स इनवॉइस आपको इश्यू करूं और आप मुझे उसका पेमेंट करें अब मैं टैक्सेस बचाने के लिए बिना इनवॉइस के ही आपको गुड सप्लाई कर देता हूं बिना इनवॉइस के ही आपको गुड्स कर देता हूं तो इस केस में इनवॉइस ही नहीं है मेरे पास और क्योंकि बिना इनवॉइस का गुड है तो आप इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी बुक्स में भी एंट्री नहीं आई आप मुझे पेमेंट चेक से नहीं करोगे आप मुझे कैश में पेमेंट करोगे ताकि यह पेमेंट ट्रेस ना हो पाए लेकिन अगर गवर्नमेंट को इस चोरी की खबर मिल जाती है तो वो फिर आपकी खबर लेगी यानी कि आपसे टैक्सेस का पैसा लेगी तो इस केस में जहां पर गवर्नमेंट के पास कोई भी ट्रेल नहीं है कोई भी एविडेंसेस नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है कि बाबू तुमसे हम जीएसटी का पेमेंट लेंगे उसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो जिस दिन तुम्हें रिटर्न फाइल करनी होती है वो वाला दिन तुम्हारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा और तुम अगर अनरजिस्टर्ड हो अब कायदे से मेरा टर्नओवर जो है वो 40 लाख के ऊपर है मुझे कायदे से जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए मैं जो भी सप्लाई करता हूं मुझे उस पर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना चाहिए लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया मैं लाइबल टू रजिस्टर हूं लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया अनरजिस्टर्ड पर्सन के घूम रहा हूं और मैं टैक्स की चोरियां कर रहा हूं और गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया आओ बेटा हमारे पास तुम चोरी कर रहे हो टैक्स की अभी तुमको बताते हैं तो अब गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स का पैसा लेगी मतलब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स का पैसा लेगी तो जिस दिन वो पैसा लेगी जिस दिन वो पैसा लेगी वही दिन आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर अब एक छोटा सा सेक्शन आता है सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन सिक्स जो कि बात करता है कि अगर तुम्हें डिलेड पेमेंट मिली है और तुमने उस डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया है पेनल्टी चार्ज करी है फीस चार्ज किया है फाइन चार्ज किया है मतलब कि तुमने उस डिलेड पेमेंट के चार्जेस रिकवर करे हैं तुम्हारे रिसिपियट से तो सिर्फ उस डिलेड पेमेंट चार्जेस के लिए सिर्फ उस डिलेड पेमेंट चार्जेस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी सेक्शन ट्वेल्व सबसे प्रिस्क्राइब्स दैट टाइम ऑफ सप्लाई द केस ऑफ एडिशन इन दैल्यू बाई वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर द डीलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर गुड्स इज द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू मतलब जिस दिन तुम्हें वो एक्स्ट्रा पैसा एडिशनल पैसा रिसीव होगा वो दिन उसके लिए क्या बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा ठीक है ध्यान से समझना मेरी बात को ध्यान से समझना मेरी बात को फिर तुम्हें बात क्लियर होगी मुकेश ने मुकेश ने गुड्स सोल्ड करे किसको? सर ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है आजकल विनोद को मुकेश ने गुड्स सोल्ड करे विनोद को किस दिन ऑन टेंथ जुलाई 2020 को और इन्होंने इनवॉइस इश्यू किया ऑन ट्वेल्थ जुलाई 20 को और जो ये गुड सोल्ड किए थे इसकी वैल्यू थी सपोज कर लो एक लाख रुपए इस ट्रांजेक्शन में वन मंथ का क्रेडिट था दैट इज जो पेमेंट करनी थी वो आपको टेंथ अगस्त ट्वेंटी तक कर देनी थी लेकिन विनोद भैया ने पेमेंट किया फिफ्टींथ सितंबर 20 को मुकेश ने चार्ज किया लेट पेमेंट फी रुपीस 2000 का जो कि पे हुआ ऑन सिक्सटीन अक्टूबर ट्वेंटी ये जो दो हजार रुपए की लेट फी लगी वो उसने हमको सोलह अक्टूबर बीस को दी आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बड़े ध्यान से समझना पहले मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का बताऊंगा फिर मैं आपको लेट पेमेंट चार्जेस जो मिले हैं उसका बताऊंगा गुड्स के लिए हम कहां पर जाएंगे सर गुड्स के लिए हम सेक्शन ट्वेल्व टू ए लगाएंगे ट्वेल्व टू ए ड्यू डेट की बात करता है और एक्चुअल डेट की बात करता है क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि गुड्स में डिलीवरी है कि मूवमेंट है तो अपन ये मानेंगे कि डिलीवरी है तो इस केस में आपने गुड्स सोल्ड किए हैं टेंथ ऑफ जुलाई को तो आपको इनवॉइस भी इश्यू कर देना चाहिए था टेंथ ऑफ जुलाई को तो आपके लिए जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनेगा वो बनेगा जुलाई 20 और आपने एक्चुअली में इनवॉइस इश्यू किया ट्वेल्थ जुलाई ट्वेंटी को तो वो जो एक लाख रुपए के आपने गुड्स बेचे थे वो जो एक लाख रुपए के आपने गुड्स बेचे थे उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा दस जुलाई बीस यानी कि इस एक लाख रुपए पे जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक लाख रुपए पे जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर लगेगा टेंथ जुलाई ट्वेंटी को अब ये जो लेट पेमेंट चार्जेस है इसके लिए एक्ट बोलता है कि जब ये आपको रिसीव होंगे तब आपको इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है तो सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन सिक्स कहता है कि जिस दिन आपको पेमेंट ये लेट पेमेंट चार्जेस रिसीट होंगे वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई और लेट पेमेंट चार्जेस हमें कब रिसीव हुए हैं सिक्सटींथ अक्टूबर ट्वेंटी को रिसीव हुए हैं तो इस दो हजार रुपए के ऊपर इस दो हजार रुपए के ऊपर जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगा सोलह अक्टूबर दो हजार बीस को क्लियर हुआ फंडा अब जो क्वेश्चन शीट में है वो देख लेते हैं एक बारी मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है इन्होंने सप्लाई करे हैं सर्टेन गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन सिक्स मंथ क्रेडिट पेनल्टी क्लॉज इन द एग्रीमेंट लेविंग अ पेनल्टी ऑफ फाइव परसेंट ऑफ द इन वॉयस वैल्यू इन केस ऑफ डिलेट पेमेंट ठीक है इनवॉयस हमने डेट करी है एक ग्यारह अट्ठारह को तो छह महीने का क्रेडिट मिल गया हमको मिस्टर वाई कुड नॉट मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट ड्यू टू द अन एवॉडेबल रीजन ठीक है ही मेड द पेमेंट ऑन फिफ्थ मे टू मिस्टर एक्स रेजेस द डेबिट नोट फॉर द पेनल्टी अमाउंट तो उस पेनल्टी अमाउंट के लिए हमने डेबिट नोट इशू कर दिया दे आर बींग अ डिस्प्यूट ऑन दिस मैटर वॉज इन आर्बिट्रेशन अब इतना मैटर बढ़ गया कि वो आर्बिट्रेशन में पहुंच गया मतलब कोर्ट कचहरी का मामला हो गया विच वॉज फाइनली रिजोल्वर वाई एग्री टू पे हाफ ऑफ द पेनल्टी अमाउंट अब मान लेते हैं कि आपकी पेनल्टी की अमाउंट में एज्यूम करता हूं कि जो पेनल्टी लगी वो दस हजार रुपए की लगी जो पेनल्टी लगी वो दस हजार रुपए की लगी लेकिन यह सेटल कितने पर हुई सेटल हुई फिफ्टी परसेंट पे यानी कि पांच हजार रुपए पे और ये पांच हजार रुपए आपको कब रिसीव हुए ट्वेल्थ अक्टूबर 2019 को रिसीव हुए तो डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई बड़े ध्यान से टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर एज पर सेक्शन ट्वेल्थ सब सेक्शन सिक्स जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी सेक्शन ट्वेल्थ सब सेक्शन सिक्स जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो होगी डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस और द पेनल्टी तो आपका ट्वेल्थ डिसंबर 19 बनेगा तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आपको पेनल्टी रिसीव हुई है अब मेरा सवाल आपसे ये कि सर ये जो जीएसटी लगेगी जो जीएसटी लेवी होगी वो दस हजार पे लेवी होगी जो कि पेनल्टी थी पांच हजार पे लगेगी जितने पे पेनल्टी सेटल हुई बताइए ये तो डिसाइड हो गया कि जीएसटी कब लगेगा सर जीएसटी आपका लगेगा ट्वेल्थ दिसंबर 19 को ट्वेल्थ डिसेंबर 19 को क्यों लगेगा क्योंकि सर उस दिन हमको पैसा रिसीव हुआ है अब मुद्दे की बात यह निकल कर आ रही है कि सर क्या दस हजार पे जीएसटी लगाओगे कि पांच हजार पे जीएसटी लगाओगे क्योंकि पेनल्टी तो दस हजार रुपए की थी और इसे सेटल कितने पे किया गया है इसे सेटल फिफ्टी परसेंट पे किया गया है सर पांच हजार पे लगनी चाहिए जितना पैसा मिला है तो एडिशन क्या हुआ है यह एडिशन नहीं है एडिशन तो यह हुआ है ना एडिशनल वैल्यू तो यह है और अगर एडिशनल वैल्यू यह है तो जीएसटी भी किस पे लगेगा इस एडिशनल वैल्यू पे लगेगा पांच हजार क्लियर हो गया फंडा क्लियर हो गया फंडा अब हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा सर आज हमने सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन वन पढ़ लिया ट्वेल्थ सब सेक्शन टू पढ़ लिया ट्वेल्थ सब सेक्शन थ्री पढ़ लिया सब सेक्शन फोर पढ़ लिया ट्वेल्थ सब सेक्शन फाइव पढ़ लिया ट्वेल्थ सब सेक्शन सिक्स पढ़ लिया सर हमने सेक्शन थर्टीन का सबसेक्शन फोर थर्टीन का सब सेक्शन फोर थर्टीन का सब सेक्शन फाइव थर्टीन का सब सेक्शन सिक्स भी पढ़ लिया सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं कैसे पढ़ लिया बच्चे जो आपका सेक्शन ट्वेल्व फोर जो आपका सेक्शन ट्वेल्व फोर ट्वेल्व फाइव ट्वेल्व सिक्स गुड्स के लिए बात करता है जो आपका सेक्शन ट्वेल्व फोर टाइव टिक्स गुड्स के लिए बात करता है सेम वही बात सेक्शन का फोर थर्टीन का फाइव बस गुड्स की जगह पे सर्विस है सप्लाई ऑफ वाउचर ऑफ सर्विस थर्टीन फोर रेसिडुअल केस ऑफ सर्विस सब सेक्शन फाइव एडिशनल पेमेंट फॉर द सर्विस सब सेक्शन सिक्स तो बेसिकली अब जो पढ़ना रह गया हमारे लिए वो रह गया आपका सेक्शन थर्टीन का सब सेक्शन वन सब सेक्शन टू और सेक्शन नंबर फोर्टीन इतनी चीजें हमें और पढ़नी है इसके बाद हमारा टाइम ऑफ सप्लाई पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा मतलब कि नेक्स्ट टन पे आपका ये चैप्टर ओवर ठीक है आज के लिए इतना रखते हैं बाकी बातें अपन नेक्स्ट टन पे करेंगे